ये वीडियो N5 के बारे में बहुत ही खास होने वाला है। इसमें मैं आपको बताऊंगा नई वोकैबुलरीज। इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं कि अपनी फैमिली मेंबर्स को जैपनीज में क्या कहते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक खास बात बता देना चाहता हूं, जो जैपनीज की वोकैबुलरी में अपनी फैमिलीज के नेम होते हैं ये दो कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। एक तो आपकी अपनी फैमिली, उनकी वोकैबुलरी थोड़ी सी अलग होती है, और एक कैटेगरी होती है जैसे कि आपका कोई दोस्त है उसके फैमिली मेंबर्स की वोकैबुलरी अलग होगी। एक आपकी फैमिली के मेंबर्स एंड एक दूसरे की फैमिली के मेंबर्स, ये दोनों वोकैबुलरीज अलग होती हैं। सबसे पहली वोकैबुलरी है चीची, इट मींस फादर। एंड अगर दूसरे आपके दोस्त के फादर के बारे में अगर आप बोल रहे हो तो उनको आप रिस्पेक्ट देके बोलोगे कि उनके लिए वोकैबुलरी है ओतो साम। ये दो वर्ड्स होते हैं फादर के लिए, अपनी फैमिली के लिए चीची एंड अदर्स फैमिली ओतो साम। नेक्स्ट वर्ड इज फॉर मदर, हाहा। एंड फॉर अदर्स फैमिली ओकासान, हाहा ओकासान। एंड नेक्स्ट वर्ड इज फॉर एल्डर ब्रदर, द वर्ड इज आनी। एंड फॉर अदर्स फैमिली द वर्ड इज ओनीसान, आनी ओनीसान। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज फॉर एल्डर सिस्टर, द वर्ड इज आने। एंड द वर्ड फॉर योर फ्रेंच सिस्टर, योर फ्रेंच एल्डर सिस्टर इज ओनेसान, आने ओनेसान। द वर्ड फॉर यंगर ब्रदर इज ओतोतो। एंड दूसरे पर्सन के यंगर ब्रदर को भी आप सेम इसी वोकैबुलरी इसी तरह से बुला सकते हैं, ओतोतो। द नेक्स्ट वर्ड इज इमोतो फॉर यंगर सिस्टर। एंड किसी दूसरे के यंगर सिस्टर को भी आप इमोतो कह के बुला सकते हैं। सो ये थी एक कॉमन वोकैबुलरीज। एक बार दोबारा से समराइज कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ड इज चीची एंड फॉर अदर्स फैमिली इज ओतोसान। सेकेंड वर्ड इज हाहा एंड ओकासान। थर्ड वर्ड इज आनी एंड ओनीसान। फोर्थ वर्ड इज आने एंड ओनेसान। फिफ्थ वर्ड इज ओतोतो। एंड द लास्ट सिक्स्थ वर्ड इज इमोतो। इस तरह से आप अपने फैमिली मेंबर्स को बुला सकते हैं। आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में मैं बहुत सारी कॉमन वोकैबुलरीज को कवर करने वाला हूं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आने वाले हैं। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।